हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे, गुड नदीम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आज से मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। सुन रहे हो ना? ये लो। कोई बात है जिसकी वजह से परेशान हो? तो देखो नदी, शायद नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से ऐसा हो रहा है। तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें दवाएं देती हूँ ताकि बेहतर फील करो। मुंह खोलो। उसे देखो तो जरा यार।
कितना हैंडसम है लड़का। अक्सर मैंने इसे पार्टीज में देखा है। मैं जरा जाकर मिलती हूँ इससे। खुश आमदीद शहनाज मैडम। खुश आमदीद मैम। क्या पर्सनालिटी है इसकी यार, कौन कह सकता है कि ये यहाँ की सेक्रेटरी थी। कोई नहीं, अब यहाँ इन्हें कोई नहीं पहचानता। पता है बहुत गुस्से वाली है ये, और अगर इन्हें कोई कंपनी में अच्छा नहीं लगता तो उसे फौरन फायर करवा देती है ये। क्या बात है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। तुम और यहाँ पे शहनाज, शायद तुम भूल गई हो कि किसी के ऑफिस में भी दाखिल होने से पहले दस्तक दी जाती है। क्या ख्याल है तुम्हारा, कोई ऑफिस में जिंदा बचा है क्या? लगता है कि इस वक्त आप मजाक के मूड में बैठे हैं, लेकिन माँ होने के नाते इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। आपके उस भतीजे ने मेरे बेटे पर हमला किया और वो घर छोड़कर चला गया। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे, और अगर अब उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो आप मुझसे मत कहिएगा। इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, ख्याल तो रखना होगा तुम्हें उसका। क्या मेरा शहजादा मिला? जी जान साहब, मिल गए हमें। ठीक है, ले आओ उसे। आज रात की पार्टी का क्या प्लान है? अभी तो कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम चाहो तो तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो, हम वहीं पार्टी कर लेंगे, हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। पार्टीज तो वैसे पसंद है मुझे, लेकिन हाँ, पार्टी गर्ल्स से काफी थक चुका हूँ मैं। जान साहब, आगा साहब ने याद किया आपको। यू नो, पार्टी गर्ल्स से तो थक चुका हूँ, लेकिन इनके साथ हैंग आउट कर रहा हूँ आजकल। जान साहब, हाँ, आपसे मिलना चाहते हैं वो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। अगर आप लोग कुछ पीना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर, हम खाने नहीं आए, आपको लेने आए हैं। मुझे लेके जाओगे? कहीं पागल तो नहीं हो गए? निकलो यहाँ से। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जान कराचा ही हूँ मैं, छोड़ो मुझे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? सच बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? किडनैप करने आए हो ना तुम मुझे? मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे, हट जाओ पीछे, छोड़ दो वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, जान का चाही हूं मैं, सुना? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। जान साहब मिल गए हमें, कुछ देर में पहुंच रहे हैं। तुम्हारा पैकेज कुछ देर में पहुंच जाएगा। सहर, मैं तुम्हारी उस जबान दराज बेटी के मुंह नहीं लगना चाहती बिल्कुल। तुम खुद ही जाकर देखो कि वो क्या कर रही है। अब क्या किया उसने? नेल पॉलिश लगा रही है वो, यहाँ ये सब मना है। अगर शहनाज मैडम ने उसे देख लिया तो मसला हो जाएगा, और अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ। तुम समझाती क्यों नहीं उसे? मुझे भी नहीं मालूम, न जाने किस बलबूते पे कर रही है वो ये सब। क्या एक बात जानते हो तुम? सिर्फ एक तुम ही हो जो अपनी माँ को इस बेरहम दुनिया से बचा सकते हो। तुम खुद ही देखो कितना जुल्म हो रहा है तुम्हारी माँ पर। क्या घर की मालकिन से कोई इस तरह काम करवाता है? शायद वो लोग हकीकत नहीं जानते। जिस दिन जान जाएंगे, सर चकरा जाएंगे सबके। ओहो किरण साहिबा, कैसी हैं अब आप? अपने नाखून तो दिखाएं जरा। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, चेहरे पर भी रौनक आ गई अब आपके। माशाल्लाह, क्या राज है इसके पीछे? अम्मी वो क्या स्त्री का बहाना बनाओगी अब तुम? मगर ये तो ठंडी पड़ी है। हाँ बस ठीक है ना अम्मी। मेरी बात सुनो किरण,
आजकल जो तुम्हारा रवैया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम और तुम्हारी दादी आपस में क्या कुछ पुसर करती रहती हो? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे नहीं अपनी दादी से कहती हो? मुझे तुम्हारा उनसे इस तरह बात करना पसंद नहीं है। अम्मी, क्या आप, मैं अपनी दादी से बात भी नहीं कर सकती हूँ? पहले जो कुछ उनकी वजह से हो चुका है तुम उससे वाकिफ हो किरण, इसलिए उनसे दूर ही रहना अच्छा है तुम्हारे लिए। अगर दोबारा उनकी बातों पर अमल किया तुमने या कोई ऐसी वैसी हरकत की तुमने, तो जान लो मैं इस बार ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारी दादी को माफ करूंगी। अब उनकी वजह से और मुसीबत नहीं चाहती मैं। मेरी प्यारी अम्मी जान, परेशान ना हो, आपकी छोटी बेटी बहुत अक्लमंद है, ठीक कर देगी सब। और फिक्र ना करें आप, मेरी वजह से दोबारा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओह ओह अम्मी जान, बिला वजह परेशान मत हुआ करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें थोड़ा। अल्लाह, इस लड़की को क्या हो गया ये अचानक? बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया, दूर रहो मुझसे। गधे कहीं के। नई जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, घर पर मिलते हैं। याद रखना, भूलिएगा नहीं, ब्लैकलिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। क्या हो रहा है ये सब बाबा? हाँ, अब आप एक आदमी को यू किडनैप करेंगे? हाँ बिल्कुल, और क्या करता मैं? मैंने एक नया काम शुरू किया है, शहर से कुत्तों को उठवाने का, ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। मैं पिछले एक हफ्ते से कॉल्स कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन एक दफा भी तुमने जहमत नहीं की कॉल उठाने की। तुम्हारी मां ने भी तुम्हें कितनी दफा कॉल्स की, लेकिन तुम्हें कोई शर्म नहीं। तो ठीक है, यही सही। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बात करनी चाहिए थी मुझसे नदीम के बारे में? बहुत अच्छा लगा होगा ना, हाँ? मुझे पिटता हुआ देखा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने उस पर हाथ नहीं उठाया। मुझे तो ताज्जुब है कि उस वक्त तुमने अपने ऊपर काबू कैसे रखा, और ये बात सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही घूमे जा रहा है कब से। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि नदीम तुमसे एक बार माफी मांगे, ताकि हम इस बारे में बात कर सकें, और जो कुछ उस रोज हुआ वो दोबारा कभी ना हो सके हमारे घर में। ऐसा मैं नहीं चाहता, और दूसरी बात यह कि इस तरह की जबरदस्ती से मुझे सख्त नफरत है। मेरी बात सुने बाबा, इस बार तो मैं शराफत से उन लोगों के साथ आ गया हूं यहां, ठीक है? अगर फिर से सब कुछ हुआ तो अच्छी तरह कान खोल के सुन ले, यहां वायलेंस के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं कि तुम मार खाना चाहते हो दोबारा, लेकिन एक बात बता दूं मैं कि मेरे आदमियों के हाथ नदीम से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, तो अगर तुम्हें अपनी हड्डियों की कोई परवाह नहीं तो मैं उन्हें भी तुम्हारी हड्डियां तोड़ने से नहीं रोकूंगा। शमीम, जरा अंदर आओ, शहजादा मुंतजर है तुम्हारा। क्या हो रहा है सब बाबा? तो आपने मुझे यहां ये सब करने के लिए बुलवाया है? सही समझे तुम। कभी जिंदगी में तुमने ये चीजें देखी हैं? जाहिर सी बात है, नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ पैसे उड़ाना है, क्योंकि पे करने के लिए तुम्हारे बाबा जो मौजूद है। हाँ, आखिर जान की खुद की क्या पहचान है? हाँ, अगर आगा निकाल दिया जाए तुम्हारे नाम के साथ, तो तुम एक आम इंसान के सिवा कुछ नहीं। शमीम, मेरे शहजादे को बताओ कि पिछले एक महीने में इसने कितने नोटों को अपनी अय्याशी की नजर किया है। सर, यह मैं किस तरह कह सकता हूं, यहां तो दीवारों के भी कान है। काफी अच्छा मजाक हो रहा है यहां। आखिर यहां करना क्या चाह रहे हैं? क्या बताएंगे मुझे? मेरे कार्ड्स ब्लॉक करना चाहते हैं, कर दे। वो मैं नहीं करूंगा बेटा, वो बैंक करेगा तुम्हारा। सिर्फ कार्ड ही नहीं, तुम्हारा अकाउंट भी बंद होगा। वैसे मैंने क्या किया शिवम? आपने सबसे पहले मिस्टर जान के तमाम अकाउंट्स को बंद किया,
लिहाजा इनका कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं है। इनकी सारी रकम कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। और रुक जाओ, एक मिनट। पर्सनल अकाउंट है मेरा, वो पर्सनल जाती अकाउंट। आपके तमाम अकाउंट्स कंपनी के नाम पर हैं, और आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट और स्टॉक मार्केट में। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ उसे वो बताओ जो बताना है। मतलब ये कि अब आपके पास कोई भी इख्तियारात नहीं है, तमाम इख्तियारात अब आगा साहब के पास है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सब कुछ ठीक चल रहा था, इनकी तबीयत भी ठीक हो रही थी, उनकी दवाएं भी वही हैं और वक्त पर दे रही थी मैं, मगर अब तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। ये सब आगा साहब को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। मैंने सोचा पहले आपसे बात करनी चाहिए। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? इस हफ्ते इनकी हालत और ख़राब हो गई है जी। प्लीज़ जल्दी आ जाए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है इनकी। मौसम बहुत अच्छा है आज। ऐसा करते हैं कि हम फ्रेश एयर के लिए बाहर चलते हैं, शायद तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं अपने साथ बुक्स भी लेके चलते हैं। नदीम मेरी तरफ देखो तो प्लीज। नदीम नहीं नहीं, नदीम मेरी तरफ देखो। नदीम प्लीज मेरी तरफ देखो। नदीम नदीम प्लीज बात करो मुझसे, मेरी तरफ देखो, प्लीज बात करो मुझसे। तुम बोल सकते हो नदीम, प्लीज प्लीज बात करो मुझसे, प्लीज नदीम। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ठीक हो रहे थे, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करो मुझसे। क्या कर रहे हैं आप ये सब बाबा? बेटे को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे अच्छा आइडिया दिया है तुमने मुझे, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। तुम्हें खरीदना नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें मफलूज करना चाहता हूं तुम्हारी अयाशियों से, और पैसों के बगैर तुम्हारा वजूद बिल्कुल नदीम की तरह हो जाएगा। एक मशवरा देता हूं मैं, संभाल के रखिए, यूं पैसे जाया मत करें बाबा, दामन पे लगा दाग हटाने के काम आएंगे जब आप बेटे को जेल में विजिट करने आएंगे उस वक्त। इस बात की तुम फिक्र मत करो, वो मैं खुद देख लूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि बिजनेसमैन अपनी जिंदगी में दो तरीके से आगे बढ़ता है, या तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है या फिर अपने दिल का, और जो अपने दिल का इस्तेमाल करता है वो वक्त से कहीं पहले खत्म हो जाता है। और तुम्हें ये सोचना है कि तुम कैसे चलना चाहते हो, अपने दिमाग से या फिर दिल से, और इस वक्त तुम अपने दिल की कैद में हो। दिमाग बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है, जब तक उसे खोलोगे नहीं वो काम नहीं करेगा। अच्छा कन्विंस हो गया हूं मैं, ठीक है, यानी कि अपनी अना को पीछे छोड़ के मुझे अपना डेस्क संभाल लेना चाहिए, यही चाहते हैं ना आप? तुम्हारी कोई डेस्क नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कोई रूम, तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा।
और सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है और फिर खर्च करना भी आ जाएगा। हाँ बोलो जैमरे। क्या कहा तुमने? क्या कैसे? ठीक ठीक है, समझ गया। सॉरी, रिस्पॉन्स नहीं है कोई। डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे कि इसको क्या हुआ? ऐसा कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूं यहां पर। प्लीज मुझे अंधेरे में मत रखिए। अब क्या हो गया तुम्हें? क्या किया है उसके साथ? उसके साथ क्या किया है? खामोश रहो। क्यों रहूं खामोश? नहीं करें, ये सब जो कर रही है उससे बाहर आ जाए तो फिर क्या करूं? बैठकर तमाशा देखूं क्या मैं? जो हुआ उसके लिए अकेले खुद ही को सजा देना चाहते हो, लेकिन क्यों? उसे सजा क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हें लगता है मैं गलत कर रही हूं ना? ठीक है, तो फिर इल्जाम लगा सकते हो मुझ पे, लेकिन जब ठीक होने लगता है वो, उसे सब याद आने लगता है। तुम्हें क्या लगता है वक्त गुजरने के बाद ये लड़का भूल जाएगा जो किया तुमने उसके साथ? कभी नहीं भूलेगा, और उसे याद रहेगा तो वो बदला भी लेगा। हर चीज याद आ सकती है। उस वक्त क्या करोगे, कुछ सोचा है तुमने? कहां जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, रुक जाओ यहां तुम। सोचो जरा, कभी गलत किया है तुम्हारे लिए तो अब कैसे कर सकती हूं? भरोसा नहीं मुझ पे जो इस तरह से सवाल करने के लिए खड़े हो गए? या तो तुम चाहते हो कि वो याद रखे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो जानते हो कि तुम्हें कितना नुकसान होगा? थोड़ा सा भी एहसास है इसका तुम्हें? या तो तुम अपने अंदर के उस हैवान को मारना ही नहीं चाहते हो जिसने बचपन में अपने भाई को बालकनी से फेंक दिया था? बाबा को देखने चले? मेरी बात सुनो किरण, आजकल जो तुम्हारा रवैया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम और तुम्हारी दादी आपस में क्या कुछ पुसर करती रहती हो? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे नहीं अपनी दादी से कहती हो? मुझे तुम्हारा उनसे इस तरह बात करना पसंद नहीं है। सहर? किरण, तुम सालों से इस घर से दूर रह रहे हो। हर तरह तुमने कोशिश भी की है, लेकिन क्या छुड़ा सके तुम अपने मासी से पीछा? नहीं छुड़ा सके तो और कितना भागोगे? अपने आप को हर तरह की सजा भी दी है तुमने, लेकिन क्या कुछ हासिल कर सके? कोई भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें। जब तक नदीम जिंदा है या जब तक तुम जिंदा हो,
ये सजा कभी खत्म नहीं होगी, ना तुम्हारी सजा, ना मेरी सजा, ना उसकी सजा। इसीलिए हम में से किसी एक को मरना होगा। वो व्हील चेयर पर है, उसकी जिंदगी तो वैसे भी किसी के काम नहीं आ सकती है, फिर वो जिंदा रहे या मर जाए। और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसके साथ में क्या करती हूँ क्या नहीं ये सब सोचना छोड़ दो। और मेरी एक बात याद रखना, तुम अगर चाहते हो कि जिंदा रहो तो अपनी माँ का मोहताज बन के रहना होगा तुम्हें। पिछले हफ्ते से ये क्या हो गया है डॉक्टर? उससे पहले तो वो खा पी रहा था। सब कुछ चेक किया है, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे पता चले कि इसे क्या हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये एक नफ्सियाती मसला है। क्या कोई हादसा हुआ था इसके साथ जिससे वो गमगीन या कहीं मायूसी का शिकार ना हो गया हो? इस सूरत हाल में हमें उसकी नफ्सियाती हालत का बहुत ध्यान रखना होगा। हमें हर हाल में उसे आसाबी सदमे से बचाना होगा। कल मैं किसी साइकाट्रिस्ट को भेज दूंगा। ठीक, खुदा हाफिज आगा साहब। ऐसा क्या दुख मिला है उसे जो उसने अपने दिल से लगा लिया है? इस बार कोई झूठ मत बोलना मुझसे। रात के इस पहर क्या लेने गई थी किरण? क्या काम था तुम्हारा? हर दफा क्यों चुपके चुपके क्या लेने जाती हो वहां? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जिहान सुन लेगा तो कयामत आ जाएगी। आवाज नीची रखो। पहले जो कुछ हुआ उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, आखिर क्या लेने जाती हो वहां? क्यों कर रही हैं आप मुझसे ऐसे सवाल? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? जैमरे से ये सवाल क्यों नहीं पूछे आपने कि वो उस जान के साथ क्या कर रही थी और क्या ताल्लुक है उसका? और उसकी वजह से दोनों कजन्स में लड़ाई भी हो गई और मैगजीन की जीनत भी बनी। क्यों हर वक्त जान के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है वो? बस बहुत हो गया किरण, आज चुप नहीं रहूंगी मैं। क्या वही सिर्फ आपकी एक बेटी है? हाँ, तो मैं कौन हूँ? क्या कुछ नहीं? क्यों सिर्फ आप उसे ही चाहती हैं, मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना अम्मी, इतना फर्क क्यों करती हैं? अफसोस हो रहा है मुझे, एक माँ होते हुए भी ऐसा कर रही हैं। एक लफ्ज और नहीं, जरा भी शर्म नहीं आ रही ऐसा कहते हुए? तुम अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी बहन पे इल्जाम लगा रही हो। बड़ी बहन है वो तुम्हारी? बड़ी बहन? हाँ हाँ, बड़ी बहन है वो मेरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके जो जी में आए वो करती है। जबान को संभालो किरण। हर बार आप मुझे ही कसूरवार क्यों ठहराती हैं अम्मी? मेरी बड़ी बहन ने आपसे छुपकर क्या कुछ नहीं किया, मगर उसे तो कभी कुछ नहीं कहा। चले तो मैं बताती हूँ। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं इतनी रात को क्या लेने जाती हूँ? तो मैं अपने होने वाले शोहर के पास होती हूँ, यानी जान करा चाय के साथ होती हूँ मैं। आपने जो करना है कर ले, लेकिन एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जनरल, तुम ही हो इस सब की जड़। होता क्या है तुम लोगों के साथ देखने लगा? झूठ है अम्मी,
ऐसा नहीं कर सकती वो, आप परेशान ना हो। किरण, क्या कर रही हो यहाँ? वहाँ इतना काम बाकी है और तुम यहाँ टहल रही हो। इस पूरे घर का काम क्या तुम्हारी माँ अकेली करती रहेगी? वो बिचारी सारा दिन लगी रहती है, और तुम हो के जिसे एहसास नहीं। अब जल्दी चलो, शहनाज मैडम का कमरा साफ करना है। और एक बात किरण, उनके सामने ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे उनको गुस्सा आ जाए। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जाओ वहाँ। तुम्हारी दादी शहनाज की जिंदगी तो बदलने वाली है, और इसमें तुम मदद करोगी मेरी। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे पता चले कि इसे क्या हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह एक नफसियाती मसला है। क्या कोई हादसा हुआ था इसके साथ जिससे वो गमगीन या कहीं मायूसी का शिकार ना हो गया हो? जो कुछ भी हो रहा है भाई, वो तो होकर रहेगा, मेरे ना चाहते हुए भी होगा। अल्लाह मालिक है। आगा साहब, आज जो मीटिंग है उसका क्या करना? मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे उससे कहीं जरूरी काम है। और कितना भागोगे? अपने आप को हर तरह की सजा भी दिया तुमने, लेकिन क्या कुछ हासिल कर सके? कोई भी फायदा नहीं हुआ तुम्हें। जब तक नदीम जिंदा है या जब तक तुम जिंदा हो, ये सजा कभी खत्म नहीं होगी। ना तुम्हारी सजा, ना मेरी सजा, ना उसकी सजा। इसीलिए हमने से किसी को मरना होगा। ए मेरे अल्लाह, तू इस मासूम बच्चे की खातिर हमारे बिगड़े कामों को आसान बना दे, हमारी मुश्किलें दूर कर दे। आमीन। ओ, मेरी दुआ कबूल कर ले। आई, बिना वजह इतना परेशान क्यों होती है दादी माँ? मैं तो ये खबर सुबह ही आगा साहब को बताने वाली थी, मगर ऐसा करने से रोक दिया आपने। क्यों रोका, क्यों रोका बताने से आपने? अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा। मसला क्या है आखिर तुम्हारे साथ? एक हफ्ता इंतजार कर लिया, तुमने रात का इंतजार नहीं कर सकती? वो चुड़ैल तो घर पे ही होगी ना, उसे ही जाकर बता देती हूँ मैं। और ये जब उसे दिखाऊंगी ना, तो उसके चेहरे के रंग उड़ जाएंगे और देखती रह जाएगी इसे मुझे। चुपा कर ही रखो, इसे यूं लहराने की जरूरत नहीं है। हद है। दादी माँ, जैसे ही मैं उनको ये खबर सुनाऊंगी, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो रहा और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं इंतजार हो रहा मुझसे। बेटा, एक हफ्ता सबर किया है तुमने, अब कुछ घंटे तुमसे सबर नहीं हो रहा। हम उन्हें ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हमें पता ही नहीं था, और जैसे ही आगा आएगा उसके सामने जाकर सब कह देंगे। ये बात जाकर आगा साहब को बताएंगे, उस चुड़ैल को क्या फर्क पड़ता है? वो चुड़ैल औरत हमारे काम की नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल अलग है। आगा को ये बात बताएंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। निर्माण, मैंने क्या कहा था तुमसे कि शहनाज मैडम का कमरा साफ करना है और तुम यहाँ खा रही हो? जल्दी जाकर साफ करो कमरा उनका। निर्माण, ये लड़की किसी काम को हाथ नहीं लगाती, खुद को घर की मालकिन समझ बैठी है मेरे ख्याल से। ये तो खुदा ही जानता है नौरीन, खुदा जानता है। Thank you.
कैसी है शहर सबा? मैं ठीक हूँ आका साहब। बहुत वक्त जाया हो गया। वक्त जाया हो गया? मैं आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ अपने भतीजे के लिए।